एवरीवन, वेलकम टू निशीस फूड वर्ल्ड। तो आज हम बनाएंगे वेज जलफ्रेजी। तो वेज जलफ्रेजी बनाने की हम शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए मैं बता दूं, वेज जलफ्रेजी बनाने के लिए हमें किन किन वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट है। आप ये देख सकते हैं, एक नॉर्मल साइज की शिमला मिर्च मैंने ली है, इसको थोड़ा मोटा मोटा मैंने लंबा लंबा काट दिया है। दो गाजर ली है, तीन नॉर्मल साइज के आलू लिए हैं और करीब आधा बोल यहाँ पे मैंने बीन्स लिया है, हाफ बोल यहाँ पे मैंने पीस ली है, मटर लिया है, एक नॉर्मल साइज की प्याज ली है छोटी पीसेस में कटी हुई, एक नॉर्मल साइज की टमाटो लिया है और यहाँ पे करीब 100 से 150 ग्राम यहाँ पे मैंने पनीर ली है। तो अब हम बनाने की शुरुआत कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, अब यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही हूँ, करीब 2 टेबलस्पून यहाँ पे ऑयल मैंने डाला है। तो ये ऑयल गरम हो गया है, अब हम यहाँ पे प्याज डाल देते हैं। अभी प्याज थोड़ी हो गई है, अब हम यहाँ पे अपने टमाटर ऐड कर देंगे और टमाटर के साथ ही साथ यहाँ पे करीब हाफ स्पून जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ। टमाटर मैंने डाल दिए, यहाँ पे पिंच ऑफ हल्दी मैं डाल रही हूँ। हल्दी के साथ थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ यहाँ पे। अब इसको ढक के हमें अपने टमाटो को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, तो हम इसको ढक के पका लेंगे। अब देखिए टमाटर हमारा लगभग हो गया है, अब यहाँ पे हम 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और धनिया पाउडर के साथ ही साथ हम यहाँ पे अपनी बीन्स गाजर और आलू ये 3 चीज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे क्योंकि इसको कंपैरेटिवली बॉईल मटर ऑलरेडी मैंने थोड़ी सी बॉईल कर रखी है, तो मटर और शिमला मिर्च के पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमने ये डाल दिया और वैसे भी हमें जलफ्रेजी में सब्जी को बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी क्रंची क्रंची आपके यहाँ पे वेजिटेबल रहती है। तो अब हम इसको ढक लेते हैं, ढक के इसको थोड़ा पका लेते हैं। तो अभी पकते करीब 5 मिनट हो गया, आप चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखिए ये काफी आपका बन चुका है, पक चुका है। अब हम यहाँ पे शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, अपनी पीस ऐड कर देंगे और साथ ही साथ हम यहाँ पे पनीर ऐड कर देंगे और इसके साथ ही हम यहाँ पे ये चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे हाफ स्पून और लगभग 1/4 स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और इसके साथ ही साथ हम एक अजीनोमोटो ऐड करेंगे। अजीनोमोटो टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लोग नहीं खाते हो तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो पिंच ऑफ अजीनोमोटो, आप देखिए पिंच, 1 पिंच मैंने मैं किया है, पिंच ऑफ अजीनोमोटो हम यहाँ पे डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई कंपल्शन नहीं है कि आप बनाएंगे तो आप भी डालिए, आप उसको स्किप कर सकते हैं। तो मुश्किल से 2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि हमारी शिमला मिर्च बहुत थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और उसके बाद हम इसको सर्व कर लेंगे। तो हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं। नमक हमने पहले थोड़ा सा डाला था, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक और ऐड कर देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और एक बार चला के तो 2 मिनट के लिए हम ढक लेंगे। तो अब 2-3 मिनट हो गया है, अब हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए
शिमला मिर्च भी हमारी हो चुकी है। अब बस हाई फ्लेम पे हमको 2 मिनट भून लेंगे। तो लगभग 2 मिनट हो गया। अब हम इसमें धनिया पाउडर हरी धनिया हम इसमें डाल देंगे और हम इसको सर्व कर लेंगे। तो ये देखिए वेज जलफ्रेजी बन के रेडी हो गया है। कितना बढ़िया लग रहा है। आप भी खाइए, बनाइए, एंजॉय करिए और पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू।